सैमसंग के मोबाइल्स में एक हाइलाइटेड फीचर है इसका फॉन्ट, और ज्यादातर सैमसंग के यूजर्स अलग अलग फॉन्ट रखना पसंद भी करते हैं। लेकिन आजकल के मिड रेंज फोन्स में बहुत ही लिमिटेड फॉन्ट्स मिलता है, और अगर आप डाउनलोड भी करना चाहो तो वो फ्री नहीं होता है। सो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप किसी भी प्रीमियम फॉन्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो। सो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है और अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कितना फॉन्ट डिफॉल्ट में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, सिर्फ 3 ही फॉन्ट देखने को मिलता है डिफॉल्ट में। और अगर हम डाउनलोड फॉन्ट्स पर जाए तो यहां पर 2 फॉन्ट्स ही सिर्फ फ्री है और बाकी सारे फॉन्ट्स पेड है, और वो 2 फॉन्ट्स भी उतना कुछ खास नहीं है। सो बेसिकली अब मैं एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा और वहीं से फॉन्ट को अप्लाई करके दिखाऊँगा। एप्लीकेशन का नाम है जी फॉन्ट, या फिर जेड फॉन्ट भी कह सकते हैं, और ये आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सो वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना, और मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए अब ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये कुछ परमिशन मांगेगा, इसको आप अलाउ कर देना। और इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ एड्स भी देखने को मिलेगा, ये एक फ्री एप्लीकेशन है इसीलिए एड्स आना कॉमन है। सो एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन्ट्स के राइट साइड में #oneui लिखा हुआ है, और जिस भी फॉन्ट्स के राइट साइड में ये लिखा रहता है वही फॉन्ट्स डायरेक्टली अप्लाई होता है। और यहाँ से आप जिस भी फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हो उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आता है, सो इंस्टॉल भी कर लेना है। सो पहली बार इंस्टॉलेशन के टाइम ये कुछ परमिशन मांगेगा, सो उसको अलाउ कर देना है। तो अब फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है, और आप यहाँ पर चेंज फॉन्ट में जाकर इसको चेंज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर एक और फॉन्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर 2 फॉन्ट डाउनलोड किया है, तो चलिए एक को अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिस भी फॉन्ट को मैंने अप्लाई किया था वो सही से अप्लाई हो चुका है, और आप इसी एप्लीकेशन से बहुत सारे फॉन्ट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।